प्रियंका ने शालीन को बताया दुर्योधन। निमृत और प्रियंका में निमृत के एविक्शन के समय दिखा दोस्ती वाला एंगल। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 अपने फिनाले के करीब पहुंच चुका है और फैंस बेसब्री से ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार 19 हफ्ते चले इस गेम का विजेता कौन बनता है, वो ये जानना चाहते हैं। फिनाले के दिन ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार विजेता कौन बन रहा है। लेकिन ट्रॉफी की रेस में अब सिर्फ 5 सदस्य शामिल हैं, प्रियंका, शिव, एमसी स्टैन, अर्चना और शालीन। निमृत शो से बाहर हो चुकी हैं। बिग बॉस देखने वाले दर्शक ऑडियंस बनकर बिग बॉस के घर में आए थे और उन्होंने लाइव वोटिंग की और उसी वोटिंग के आधार पर यह नतीजा निकला। वोटिंग वाले टास्क में जब शालीन अपनी स्पीच देकर वापस लौटे थे तो प्रियंका और निमृत दोनों शालीन के बारे में ये कहते हुए नजर आई कि शालीन ने ही बिग बॉस 16 में असली गेम खेला है। निमृत ने प्रियंका से ये पूछा कि आपने महाभारत देखा है, तब प्रियंका ने कहा, ठीक कहा आपने, दुर्योधन की भूमिका प्रियंका को याद आई। यानी शालीन को प्रियंका ने दुर्योधन तो बता दिया लेकिन इस वक्त वो बात निमृत से कर रही थी। निमृत और प्रियंका के बीच इस तरह की बातचीत पूरे बिग बॉस के सीजन 16 में देखने को नहीं मिली जब वो दोनों एक ही पेज पर रही हों। लेकिन निमृत के एविक्शन के पहले ऐसा नजारा भी देखने को मिला और इसे बिग बॉस के खेल का ही एक स्वरूप कहा जाएगा जिसमें असली पर्सनालिटी आखिरकार निकलकर सामने आ ही जाती है। और अब फिनाले वीक है, यहाँ कंटेस्टेंट्स की अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है क्योंकि घर बड़ा है, लोग कम है और अब उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। तो यानी यही रियल साइड देखने को मिलेगा। टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।